नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा टीपी लिंक का आउटडोर राउटर दोस्तों मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया है और दोस्तों आज मैं इसका अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ मेरा जो चैनल है इस टाइप का नहीं है जो अनबॉक्सिंग का चैनल है इस तरह का कुछ नहीं है मैं इसको खरीदा हूँ बस आप लोगों को मैं दिखाऊँगा और कुछ नहीं ठीक है तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और पैक में क्या क्या है देख लेते हैं देखिए आउट मतलब राउटर बहुत सारा मिल जाते हैं मैं आउटडोर इसलिए मतलब लिया हूँ एक एक में काम चल जाएगा मतलब आपको तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आपको तो राउटर लगेगा बट मैं आउटडोर ले लिया हूँ थोड़ा सा ज़्यादा रेंज मिलेगा ये मेरे को 200 मीटर तक रेंज मिला मिलेगा करके बताया गया है तो ये और कंपनी ने बताया है 200 मीटर तो ओरिजिनली में 150 मीटर मिलता है कि नहीं ये हम बाद में चेक करेंगे ठीक है तो मैं इसको पैक ओपन कर लेता हूँ इसके बाद मैं दिखाता हूँ देखिए दोस्तों इसके ऊपर जो प्लास्टिक था मैं ओपन कर लिया इसके बाद इसके अंदर बिल है तो मैंने इसको ऑर्डर किया था थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास और कैशबैक मिलो को मेरा था अमेज़ोन पे में कुछ ऑफर था मेरा तो उसके बावजूद ये मेरे को दो आ, एक सौ पचास रुपीज़ मेरे को कैशबैक मिल गया था ठीक है ये देखिए इसका बिल है तो इसको साइड में रखते हैं तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं देखिए ये जो देखिए इसमें क्या होता है इसमें नॉर्मली कोई पैकेज ए नहीं है मतलब कोई सील नहीं है इधर ठीक है आप नॉर्मली इसको ओपन कर सकते हैं ठीक है इसके बाद चलिए इसके ऊपर मैं इसको ओपन करता हूँ इस पैक में कुछ नहीं है ये डब्बा है इस इधर पैकेटिंग करके रखा है ये ये इंस्टॉलेशन गाइड दिया गया है किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे इसको और इधर इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताया गया है ठीक है चलिए इसको रख देते हैं इसके बाद चलिए मेन जो डिवाइस होते हैं ये ये और ये क्या है ये चार्जिंग लगता है मेरे को चार्जिंग एडप्टर है ये और ये जो है वाल में लगाने के लिए ये वाला है ठीक है ये वाला और क्या है देखते हैं इसमें और ये दोनों ये दोनों ट्राई बेल्ट कहता है इसको लगाने के लिए शायद दिया है दिया है इसके बाद चलिए इसको ओपन करके देखते हैं देखिए अभी हम इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे हमारा इधर जो जो इंस्टॉल करेगा वो काला आएगा और मैं आप लोगों को काले इसके साथ में एक वीडियो अटैच करके दूंगा जो किस तरफ़ से इंस्टॉल होता है थोड़ा सा मैं मतलब इधर जो हमारा जो इधर टेक्नीसियन रहता है जो इस तरफ का फिटिंग करते हैं वो ज़्यादा नहीं जानते मिनिमम जानते हैं बस और इसको तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको जो इथरनेट केबल आएगा वो केबल इधर से कनेक्ट हो जाएगा और एक और एक आ, आपका पॉइंट इधर से निकल के पीसी में पीसी लैपटॉप में कनेक्शन होगा ठीक है इसके बाद इसका वाईफाई वगैरह वगैरह सेट करना पड़ता है आप यूजर मतलब इंस्टॉलेशन गाइड देख के पढ़ सकते हैं नहीं तो कंपनी को कॉल करके भी आप कर सकते हैं ठीक है ये देखने में इस तरफ का है थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी लगता है ठीक है और इसका जो ये दोनों जो पॉब देख रहे हैं इसको शायद क्या कहते हैं नहीं जानता हूँ बट अरे ऐसा लग रहा है पॉप के जैसा ठीक है इसलिए मैं आपको बता दिया तो अभी इस इसको इधर इस तरफ से लगाना पड़ता है आप सभी लोग जानते हैं इसको तो लगा के एक बार देखते हैं कि इस तरफ से लगता है ठीक है चलिए इसको इधर लगा दिया इसको इधर लगाता हूँ दोनों को लगा दिया हूँ ठीक ठाक से इसके बाद आप इसको मर्जी से अपना घुमा सकते हैं ठीक है आप मर्जी आप जिस तरफ़ का चाहे घुमा सकते हैं देखिए ये हो गया और ये ये हो गया इस तरफ से आप घुमा सकते हैं ठीक है इस तरफ से आप घुमा कर रख सकते हैं जिस दिन लगा हुआ उस दिन मैं रेंज के बारे में बात करूंगा, जो हाँ इसका सिग्नल कितना दूर तक जा रहा है औरिजिनली में जो 200 मीटर कंपनी ने बताया है वो सच में जा रहा है कि नहीं ठीक है और ये तो हो गया इसके बाद ये जो पावर एडाप्टर है पावर एडाप्टर खोल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये देखिए पावर एडाप्टर इसका जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है ये पावर एडाप्टर के साथ ये दोनों ये दोनों देख के रखे हैं स्क्रूड स्क्रू और ये पीवीसी का क्या है ये लगाने के लिए शायद है और और ये है पावर एडप्टर को पावर देने के लिए ये वाला वायर दे के रखे वायर थोड़ा सा मैं आपको खोल के दिखाता हूँ रुक वायर का क्वालिटी बहुत अच्छा है रुकी मैं वो लोग को दिखाता हूँ ये ये देखिए ठीक है दोस्तों मैं पूरा चीज दिखा दिया हूं अभी और बाकी काल थोड़ा सा मैं वीडियो करूँगा इसके इसके साथ ऐड कर दूंगा ठीक है वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल बहुत छोटा चैनल है आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रहिए नमस्ते देखिए दोस्तों मैंने जो मेरा जो आउटडोर राउटर है पूरा कनेक्शन कर लिया है और मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन आया है ये है केबल ऑपरेटर का इंटरनेट कनेक्शन ये देखिए ये जो एयर है इस वायर केबल ऑपरेटर का वायर है ए आया है इधर आ, आके ओएन ओ पे आया है ओन ओ ओ पे गया है ओ एन से एक कैप्ट सिक्स का वायर निकाल के आया है एक ए है कैप्ट सिक्स का वायर इधर आके मैंने क्या किया है स्विच पे लगा दिया है स्विच पे इसलिए लगा दिया है तो एक पॉइंट मैं दूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पोर्ट लेने का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसलिए मैंने स्विच पर कनेक्शन कर दिया है तो स्विच पर कनेक्शन करने के बाद इधर से मैंने एक पो लिया है ठीक है एक पोर्ट एक पोर्ट कुछ भी एक पोर्ट लिया है लेके मेरा जो आउटडोर राउटर है आउटडोर राउटर का जो एडोप्टर है मतलब जो पावर सप्लाई देते हैं उसमें कनेक्शन किया है देखिए आउटडोर राउटर का ये जो लैन लिखा हुआ है लैन देख पा रहे शायद आप लोग लैन लिखा हुआ है इस लैन पे आया है इस स्विच से मैंने एक पॉइंट लिया है स्विच से पॉइंट लेके इधर लैन पे लेके आया है लेन पे कनेक्शन किया है ठीक है थीके? लैंड पे कनेक्शन करने के बाद इसको मैंने क्या किया इधर पावर सप्लाई इधर ही है पावर सप्लाई मैंने इधर दे दिया है इसको पावर सप्लाई देने के बाद देखिए ये वाला जो पी है ठीक है पी देख पा रहे हैं इसको मैंने लेके गए हैं मेरा राउटर जिधर लगा हुआ है राउटर आउटडोर जो राउटर लगा हुआ है एक्सटेंशन उधर उधर जाके मैंने बैठाया है ठीक है और देखिए इसको मतलब मतलब इसको पासवर्ड देने के लिए ये जो राउटर है इस राउटर को पासवर्ड देने के लिए आपको डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके ये करना पड़ेगा डायरेक्टली आप कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट करके करना पड़ेगा और उसमें ई एम आई बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं है ये राउटर का ये देखिए मेरे पास और एक भी राउटर है टीपी लिंक का मैंने इस राउटर को भी इस स्विच से लेके आया है इस राउटर उस राउटर पर कोई भी मैंने आ, मतलब जो आई पी है मैंने नहीं बैठाया है आई पी जो मेरा बैठा हुआ है वो इसमें ओ एन ओ पे आई पी बैठा हुआ है तो ओ एन ओ पे क्या होता है ओ एन ऊ पे आई पी बिठाया हुआ है तो ओ एन ओ से किसी को आई पी देने का जरूरत ही नहीं है ठीक है इसके बाद आ, इस इसमें तो पावर सप्लाई दे दिया है ठीक है इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने इधर तार लेके जाके ऊपर में लगाया है और इसका जो रेंज है मैं आप लोगों को बताऊंगा जो किस तरफ से रेंज देते हैं किस तरफ़ से चलता है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा किधर लगा हुआ है देखिए शायद आप देख पा रहे हैं ऊपर में लगा हुआ है ऊपर के छात में लगा हुआ है देख पा रहे शायद ठीक है उसमें लगा हुआ है और ये देखिए ये पूरा इलाका में जो है कवर कर लेते हैं थोड़ा सा पेड़ वगैरह वगैरह है इसलिए थोड़ा सा रूट जाते है। है तक, हैं बट कंपनी जो क्लेम करते हैं दो मीटर तक ठीक है ये ऑरिजिनली में दो मीटर जाते हैं औरिजिनली में दो मीटर देते हैं ये ठीक है बट आपका पेड़ रहेगा कोई भी मतलब क्लियर नहीं है ठीक है ज़्यादा जंगल में आप रह रहे हैं ठीक है तो ये नहीं जा सकता मतलब हमारा जिधर मैं मैं जिधर सीधा मतलब जिधर फेस आ, मतलब जिधर क्लियर है कोई पेड़ वगैरह वगैरह नहीं है पूरा स्ट्रेट है तो उधर 200 200 मीटर से ज़्यादा भी कभी कभी चल जाते हैं ठीक है बट बट जब हम लोग थोड़ा सा मतलब घर में थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ वगैरह वगैरह है तब थोड़ा सा कम जाते हैं नहीं तो 200 मीटर के आसपास चल जाते हैं आराम से काम करते हैं ठीक है और देखिए जिसका फ़ोन में सिग्नल और ये देखिए और एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं बहुत बार चेक किया हूँ ये जो वाईफाई का सिग्नल एक्सेप्ट करने का जो एक्सेप्ट करने का जो सिस्टम है ना किसी सभी फ़ोन में एक नहीं है सभी फ़ोन में एक नहीं है किसी का क्वालिटी लो है किसी का क्वालिटी अच्छा है आप मैं इसलिए बता रहा हूँ देखिए किसी का किसी का 200 मीटर से ज़्यादा जा रहा है उसके बाद भी कनेक्शन अच्छा से चल रहा है किसी का 200 मीटर में जाने के बाद वो सिग्नल नहीं आ रहा है मतलब सिग्नल ढूंढ ही नहीं पा रहा है इस तरह का एग्जांपल के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीवो का फ़ोन में ई एम का फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम आता है ठीक है जो रियलमी रियल मी का फ़ोन में प्रॉब ये प्रॉब्लम नहीं आता है सैमसंग में तो बहुत अच्छा है तगड़ा में चलता है सैमसंग में मेरा सैमसंग का फोन है वो तो चगरा में चलता है 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर बोल रहा दो 200 मीटर से ज़्यादा जाएंगे तो तब भी अच्छा से चलता है ठीक है ये जो कैपेसिटी मतलब दो मीटर का जो कैपेसिटी है वो आपका फ़ोन का वाई सिग्नल मतलब वाई में जो पार्ट्स लगा हुआ है मसिन वगैरह वगैरह लगा हुआ है उसमें वो उसमें भी डिपेंड करता है जो उसका क्वालिटी कैसा है ठीक है तो मैंने इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा है बारिश बारिश भी हो रहा है मतलब ऊपर में ऑल टाइम चलता है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है आराम से चल रहा है ठीक है जो वीडियो पहले दिन बताया बनाया था उसका तीन चार माह से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद ऐड करके पोस्ट करूँगा मेरा चैनल जो है बहुत छोटा चैनल है आप लोगों को रिक्वेस्ट करता तो हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये इसको फिटिंग करने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे मेरे से कॉमेंट सेक्शन में बताइए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रहिए नमस्ते